सो है माय डियर फ्रेंड्स, आई एम क्रिएशन एंड यू आर वाचिंग क्रिएशन आर्मी। तो यार क्रिएशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अभी हमारे फ्री फायर में रमजान इवेंट आने वाला है। तो यार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई प्लीज़ बताइए कि रमजान इवेंट कब आने वाला है। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को रमजान इवेंट की कन्फर्म डेट बताने वाला हूँ, रमजान इवेंट का कैलेंडर बताने वाला हूँ एंड रमजान इवेंट को कैसे कम्प्लीट करना है। और आप लोगों को पता होगा रमजान इवेंट में आप लोगों को मैजिक क्यूब फ्री में मिलने वाला है, बंडल फ्री में मिलने वाले हैं। तो सारे इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यार आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ यार, आप लोगों को पता होगा अभी हमारे फ्री फायर में एवोल्यूशन M10 आने वाली है। तो एवोल्यूशन M10 एवोल्यूशन ड्रेको नाम के इवेंट में आने वाली है। और इस इवेंट में आप लोगों को एवोल्यूशन M10 के साथ साथ आप लोगों को कार की स्किन, लूट बॉक्स की स्किन, बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी एवोल्यूशन ड्रेको इवेंट में। तो आप लोगों को मैं इस इवेंट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो प्लीज़ आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हो सके तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर के बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करके रख देना। देखो 2 से 3 सेकंड लगेगा, प्लीज कर दो। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारे रमजान इवेंट के बारे में। तो यार सबसे पहले उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ जो लोग ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई रमजान इवेंट हमारे इंडियन सर्वर पर कब आने वाला है। तो यार अभी कैलेंडर आप देख रहे होंगे, हमारे कैलेंडर के हिसाब से रमजान इवेंट हमारे इंडियन सर्वर में आने वाला है 6 मई को और चलने वाला है 16 मई तक। मतलब कि 6 मई से 16 मई तक ये वाला इवेंट चलने वाला है और इस इवेंट को हमें कम्प्लीट करना है। तो यार अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस इवेंट में आप लोगों को क्या क्या फ्री में मिलेगा, इसके इवेंट कैसे आने वाले हैं। तो यार इवेंट में आप लोगों को मिलने वाला है एक मैजिक क्यूब, फीमेल का बंडल, डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, सर्फ बोल्ट की स्किन फ्री में मिलेगी, कस्टम कार्ड, बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी। तो इस इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को प्ले इट फॉरवर्ड नाम का इवेंट देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को गेम खेलना है, गेम खेलने के बाद में आप लोगों को कुछ टोकन मिलेगी येल्लो कलर की और रेड कलर की, उसके बदले में आप लोगों को एक कस्टम कार्ड और हमारा जो फीमेल का बंडल है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये फीमेल का बंडल मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। उसके बाद में आप लोगों को 8 मई से आप लोगों को टोकन कलेक्ट करना है, टोकन कलेक्ट करोगे और उस टोकन को 13 मई को एक्सचेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो टोकन कलेक्ट करना है 8 मई को और एक्सचेंज करना है 13 मई को। उसके बाद में आप लोगों को 12 मई को फ्रेंड कॉलबैक इवेंट करके देखने मिल जाएगा, जिसमें शायद से एक मास्क देखने मिलेगा और एक वेपन रॉल वाउचर देखने मिल जाएगा। तो यार आप लोगों को पता होगा ना फ्रेंड कॉलबैक इवेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं। मतलब कि आप लोग अभी से ही अपनी 5 ID बना लो, गेस्ट से बनाओ या तो फिर कोई ईमेल से बनाओ और उस ID को कभी ओपन मत करना। जब भी कॉलबैक इवेंट आता है तभी ओपन करना। इससे क्या होगा, जब भी फ्री फायर में कोई भी इवेंट का कॉलबैक इवेंट आता है इजीली आप 5 मिनट के अंदर कॉलबैक इवेंट को कंप्लीट कर लोगे। तो अगर आपके पास अभी फ्री फायर की ID नहीं होगी, जो कि आपने बहुत दिनों से लॉगिन नहीं किए होंगे, तो फटाक से ऐसी ID बना लो, बिकॉज 12 मई को फ्रेंड कॉलबैक इवेंट आने वाला है, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है 13 मई। तो 13 मई को हमारा रमजान इवेंट का पीक डे होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को उस दिन टोकन एक्सचेंज वाला एक इवेंट देखने मिल जाएगा। मतलब कि जो 8 मई को जो टोकन कलेक्ट करोगे उसे 13 मई को एक्सचेंज कर पाओगे। एंड यहाँ पर आप लोगों को चेक इन करने के बदले में और जब आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने के बाद में आप लोगों को कुछ मिशंस होंगे, उन मिशंस को कंप्लीट करने के बदले में मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। और आप लोगों को पता होगा 100 मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट से एक मैजिक क्यूब बन जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का रमजान इवेंट आने वाला है। देन 14 मई को ऑफ्टर पार्टी एक्सचेंज करके एक इवेंट आने वाला है, जिसमें आप लोगों को ये ग्रीन वाली सर्फ बोल्ट की स्किन मिलने वाली है। और हाँ यार, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये वाली जो ग्रीन वाली सर्फ बोल्ट की स्किन है इसमें ज्यादा एनिमेशन नहीं है और ये ज्यादा लेजेंडरी स्किन भी नहीं है, इसी वजह से ये हम लोगों को रमजान इवेंट के दौरान फ्री में दी जाएगी। इस प्रकार का ये हमारा रमजान इवेंट का कैलेंडर होने वाला है। और ये कैलेंडर हमारे दूसरे सर्वर का है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए हमारे इंडियन सर्वर पर, लेकिन कुछ इस टाइप का हमारे फ्री फायर में रमजान इवेंट आने वाला है। तो यार शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा रमजान इवेंट कैसा होने वाला है, इसमें क्या क्या फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की ओर। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारे एवोल्यूशन ड्रेको इवेंट के बारे में। तो यार एवोल्यूशन ड्रेको इवेंट 5 या 6 दिन के लिए हमारे फ्री फायर में आने वाला है। और इस इवेंट के दौरान आप लोगों को एक फेडरेट व्हील भी देखने मिल जाएगा। मतलब कि कुछ इवेंट फ्री के होंगे और कुछ इवेंट डायमंड के होंगे। तो यार अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस इवेंट में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें हमारे फ्री फायर में आने वाली है। मतलब कि यहाँ पर एक M1040 की स्किन आएगी, एक कार की स्किन आएगी, एक लूट बॉक्स की स्किन आएगी, पैरासूट, बैकपैक और आप लोगों को पता होगा एवोल्यूशन M10 की स्किन जो
निकालेगा और इवोल्यूशन M1040 को लेवल 7 का करने पर एक इमोट भी मिलेगा। तो यार इस प्रकार से हमारा जो है इवोल्यूशन ड्रेको इवेंट आने वाला है। तो जैसे ही आप लोगों को पता होगा फेडेडिबल इवेंट आएगा तो 1000 डायमंड लगेंगे आप लोगों को इवोल्यूशन M10 को निकालने के लिए। तो जो लोग यार इवोल्यूशन M10 को निकालने की सोच रहे हैं डायमंड को सेव करके रख लीजिए, बिकॉज 15 मई या फिर 10 मई के पहले हमारे फ्री फायर में इवोल्यूशन ड्रेको नाम का इवेंट आने वाला है। और बात रही फ्री के इवेंट की, तो जैसे ही फ्री के इवेंट आएंगे इवोल्यूशन ड्रेको की थीम पर बेस्ट, तो यार मैं आप लोगों को बता दूंगा उन फ्री के इवेंट को कैसे कंप्लीट करना है और उनके रिवार्ड कैसे लेना है। तो यार आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करके रख दो। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है इन गेम के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइस मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।